हेलो दोस्तों, यह आई हुई हमारे पास एफएक्स वाइल्ड कैट MK3, और यह आप हमसे परचेस भी कर सकते हो। इसका प्राइस वगैरह सारा कुछ मैं भी बता दूंगा। और एफएक्स एयरगन मेड इन स्वीडन। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, स्मूथ ट्विस्ट इसमें बैरल है, 500 mm का लगा हुआ है। ये देखें, इसका लुक दिखा दूँ मैं आपको। ये बिल्कुल ही न्यू ब्रांड है और ये आप हमसे परचेस कर सकते हो। इसका प्राइस है 1,60,000 रुपये। रेगुलेटेड, इसका रेगुलेटर लगा हुआ यहाँ पे। और इसमें दो पैलेट से एक्यूरेसी टेस्ट करेंगे, HNN बारकूडा और QoS का स्ट्रीम लाइन। इसमें ईयर भरा हुआ है, ये देखें, 220 बार। और ये हमारा रहा 50 मीटर पर टारगेट, मैं आपको जूम करके दिखा दूँ यहीं से। ये रहा, यहीं पे हमारा सारा सेटअप है। और यहीं से हम, मेरे पास एक ही कैमरा है और वहीं पर टारगेट के पास सेट करेंगे हम, क्या एक्यूरेसी रहती है देखते हैं। और इसमें दोस्तों पावर बढ़ाने का भी हमें टेंशन दिया हुआ है, ये देखें, 1 level 2 level 3 4 5। ये हम करेंगे सारा कुछ नॉर्मल पावर पर, क्या एक्यूरेसी आती है क्या नहीं, चलिए देखते हैं आगे वीडियो में। ऊपर वाला टारगेट चलाएंगे हम QoS, नीचे चलाएंगे HNN बारकूडा। दोस्तों राइफल के बारे में और बता दूं, ये साइड लीवर है और बुल पॉप वर्जन है और बहुत ही खूबसूरत है दिखने में और पावरफुल भी है। आप यहां से हैमर टेंशन से इसका पावर एडजस्ट कर सकते हो। और इस पर 20 mm का रेल लगा हुआ है, नीचे में 20 mm का, और सप्रेसर है नहीं। और दोस्तों श्राउड बैरल का, इसमें श्राउड बैरल है। और एक मेरे पास है इवानिक्स का वर्टेक्स श्राउड बैरल में। दोस्तों एक्यूरेसी सप्रेसर लगने से और भी ज़्यादा अच्छी आती है, बिना सप्रेसर को उतनी अच्छी एक्यूरेसी नहीं आती।
दोस्तों ये दो पैलेट यूज किए थे मैंने इसमें, और पता नहीं हैमर को आगे पीछे करने से भी एक्यूरेसी और भी अच्छी हो जाए। ये देखें मेरे टारगेट यहाँ से 50 मीटर की दूरी पे है, इस टारगेट को हमारे पास ला रहा है। आपको नज़दीक से दिखाता हूँ मैं। और दोस्तों 1,60,000 रुपये का इसका प्राइस है, और ये ऑफ़र ओनली ईद तक है, ईद के बाद ये ऑफ़र नहीं रहेगा। अगर किसी भाई को ये चाहिए तो हमारा सीधा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप सीधा बाय कर सकते हो। और दोस्तों हो सकता है हैमर से मैं पावर को इंक्रीज और ज़्यादा कर दूँ, अभी तो मैंने बिल्कुल ही नॉर्मल पे रखा हुआ है। एक्यूरेसी और भी अच्छी मिल सकती है, और मेरे पास स्कोप सेकंड फोकल प्लेन है, FFP होता फर्स्ट फोकल प्लेन, और भी अच्छी एक्यूरेसी आ सकती है। ये देखिए जी QYS 50 मीटर पे, मैं आपको काउंट करके दिखाऊं, दो उंगली के नीचे दब जा रहा है सारा पैलेट। मैं हैमर टेंशन को और बढ़ा दूं, हो सकता है दोस्तों और भी अच्छी एक्यूरेसी मिल जाए। और ये HNN बारकोडा, ये भी करीब सेम ही है, एक पैलेट नीचे लगा है ये वाला। तो दोस्तों ये सारे पैलेट इस फट्टे में से पार हैं नॉर्मल पावर पे। ये देखें मेरे एक उंगली के बराबर इसकी मोटाई है, ये रहे सारे एग्जिट होल। ये कुछ पैलेट मैंने इस पे पहले भी चलाए थे, हैमर टेंशन को बढ़ा कर मैंने बिल्कुल ही नॉर्मल पावर पर रखा, सारा पैलेट पार है इसमें से। QYS दो उंगलियों के नीचे दोस्तों आराम से आ रहा है, ग्रुप एक थम से थोड़े बाहर हैं। और ये HNN बारकोडा